नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा, वेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बैंगलोर इंडिया से। आज हम बात करने वाले हैं कि चंद्रमा और केतु की युति बनती हो तो क्या होता है जीवन में। मून एंड केतु टुगेदर, व्हाट दे डू टू योर लाइफ। देखिए, केतु यदि उत्तम स्थान में बैठा हो तो उसका प्रभाव अलग होता है। चंद्रमा कहीं बैठा है, डिपेंडिंग ऑन कौन से घर में बैठा है, उसका अच्छे बुरे प्रभाव आपको आते हैं। इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि चंद्रमा और केतु जब साथ में बैठते हैं तो क्या होता है। विगत वीडियो में हमने चंद्रमा के ऊपर वीडियो बनी हुई है, केतु का वीडियो अलग से बना हुआ है, आपने देखा नहीं होगा तो देखिएगा। लेकिन जो कंबिनेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कंबिनेशन बात कैसे होती है, जैसे आपका पेट्रोल में पानी मिल जाए, पेट्रोल में आग पास में हो जाए, तो इस प्रकार से अलग अलग उसके रिएक्शन जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो चंद्रमा और केतु साथ में बैठ जाने से क्या होता है कि मन में एंग्जाइटी पैदा होना शुरू हो जाती है, संशय पैदा हो जाना शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि संशय आत्मा विनाशंति, मतलब जिसके आत्मा में संशय आ जाए, डाउट आ जाए, संदेह आ जाए, उसका विनाश होना जरूरी है। विनाश का मतलब ये हुआ कि बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। कन्फ्यूजन में हमारे जो निर्णय लेने की शक्ति होती है उसमें ह्रास होता है, कमी आ जाती है, और हम गलत निर्णय ले बैठते हैं और जीवन में दुख पाते हैं, पैसे का नुकसान हो जाता है, रिश्तों में गलती हो जाती है, गलत जगह शादी हो जाती है, गलत जॉब में चले जाते हैं, गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कोई जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज कर लिया कि जिससे उसकी हानि हो जाती है, मतलब उसे कोप नहीं कर पाता, अच्छे मार्क्स उसके नहीं आते हैं। शादी कहीं करनी है, गलत जगह शादी हो जाती है क्योंकि आप समझ नहीं पाए, गड़बड़ हो गया। एंग्जाइटी का मतलब है कि एंग्जाइटी पैदा होना, एंग्जाइटी पैदा होने से उतावलापन आ जाता है, मन में विभ्राट होना शुरू हो जाता है और आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी में व्याघात होता है, कमी आ जाती है, गलत निर्णय ले बैठते हैं आप। कुछ लोग एंग्जाइटी न्यूरोसिस के शिकार हो जाते हैं। अब एंग्जाइटी न्यूरोसिस मतलब हर एक बात पे एकदम ये होने की, पता नहीं ये क्या हो जाएगा, पता नहीं ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा कैसे हो जाएगा, हो सकता है फलाना जगह मैं जाऊं और वहां अमुक आदमी से मिल लूं और ऐसा कुछ बोल देगा। ऐसे लोग विवाह में, सामाजिक स्थानों में लोगों से मिलने से कतराते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, एक प्रकार डिप्रेशन भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि जब एंग्जाइटी एंग्जाइटी रहता है तो धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं, तेज गति से आपकी छाती धड़कने लगती है, बीपी बढ़ जाता है, या उल्टा असर ये होता है कि बीपी कम भी हो जाए, उल्टा असर है और आप एकदम डिप्रेशन में चले जाए। एंग्जाइटी जो है, ये एंग्जाइटी स्ट्रेस जो बातें करते हैं वो लोग, ये सब मिले जुले होते हैं, तो अलग अलग रूप से प्रतिफलित होते हैं आपके जीवन में, लेकिन परिपूरक है या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्ट्रेस हो तो एंग्जाइटी होगा, एंग्जाइटी हो तो स्ट्रेस होगा, क्योंकि बोलेंगे एंग्जाइटी मुझे हो रही है, क्यों एंग्जाइटी हो रही है, ये अपने आप एक स्ट्रेस पैदा कर देता है। तो जहां जहां चंद्रमा और केतु साथ में बैठ जाएंगे तो मन में ऐसे एंग्जियसनेस, एंग्जाइटी, चिंताएं बढ़ जाती है। चिंता चिता के समान है, कहते हैं ना, यदि आप चिंता करते रहे, चिंता मतलब जैसे आप मरने के बाद चिंता में आपको जला देते हैं, उस प्रकार से शरीर तिल तिल जलता है, तिल तिल आदमी घुटता रहता है, तिल तिल मरता रहता है प्रतिदिन एंग्जाइटी से, चिंताओं से घिरा हुआ मन जीवन में कभी शांति नहीं पाता है और चिंताओं से कोई समाधान होता नहीं है। आपने डेल कर की किताब पढ़ी होगी, चिंता छोड़ो सुख से जियो, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की बातें होती है। तो यदि आपको ऐसे चीज़ों का से आप प्रभावित हैं और दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आपने साइकेट्रिक दवाई वगैरह भी खाई हुई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, अश्वगंधा है स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, बहुत सारे मेडिसिन आयुर्वेद में आते हैं, होम्योपैथी में आते हैं, आप खाए हुए हैं, लेकिन यदि आप इससे थक चुके हैं, आप सबको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आप नुस्खा जो बता रहा हूँ उसको आप ट्राई कीजिएगा। नुस्खा ये है कि पहले तो केतुदेव की शांति के लिए पलाश पुष्प संकाशम तारक ग्रहमस्तकम रौद्र रुद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणवाम। तो ये केतु जी का मंत्र है, इसको जाप करेंगे तो केतु की शांति होती है। दूसरी बात है कि अब आठ मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आठ मुखी रुद्राक्ष इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश के द्वारा आशीर्वाद जो मिला हुआ है, ये है आठ मुखी रुद्राक्ष। इसको पहनेंगे तो गणेश जानते हैं कि बाधा विघ्न को दूर करने वाले, चिंता को दूर करने वाले भगवान है, तो आठ मुखी पहनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। दो मुखी पहनना चाहे तो पहनिए, लेकिन ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को केतु तंग कर रहा है, चंद्रमा अपने आप में स्थित है। कुछ लोग दो मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, ऐसी युति जब बनती है तो ज़्यादा फायदा होता हुआ देखा हुआ नहीं है। फायदा होता है, लेकिन ज़्यादा फायदा आप चाहते हैं तो आठ मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिएगा, उसमें आपका ये चंद्र और केतु की जो युति बन रही है इससे आपको फायदा मिलेगा। अगले वीडियो में और कुछ नई टॉपिक लेकर मैं बात करने वाला हूँ। आपके मन में कोई विचार है रुद्राक्ष संबंधी, जेम्सोन संबंधी, एस्ट्रोलॉजी संबंधी है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपना पूरा नाम लिखिए, निकनेम मत लिखिए,
जैसे एक कोई कोई लिखते हैं कि डॉन या क्या क्या इस प्रकार नाम लिखते हैं, तो मैं आपका नाम फिर ले नहीं पाऊंगा। आप उसे अपना पूरा नाम लिखिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और आपका सवाल क्या है। आप लिखेंगे तो वीडियो में इसको मैं समाहित करूंगा, आपका नाम भी लूंगा, आप कहाँ से हैं भी आपके बारे में बताऊंगा, और यदि आप व्हाट्सएप में अपना फोटो मुझे भेजेंगे तो आपका फोटो भी वीडियो में डाल दूंगा उत्तर देते समय। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों को और जो अपने रिलेटिव्स हैं उनको आप इसको शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।